19 पूजन मुहूर्त 37 सालों बाद बना यह शुभ मुहूर्त। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं दीपावली 19 के पावन मुहूर्त की। चलिए जान लेते हैं इस अपडेट को। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे अपडेट रहे आप देश की सभी कैटेगरी के अपडेट एवं अलर्ट खबरों से। दोस्तों दीपावली पर इस बार 37 वर्षों के बाद महासंयोग महालक्ष्मी कृपा से बन रहा है। यह उत्तम लाभ के लिए सुगड़िया क्या है चलिए जान लेते हैं। दीपावली के दिन सूर्योदय का दिन है और चित्रा नक्षत्र और अमावस्या का लगभग 37 साल बाद महासंयोग बन रहा है। महालक्ष्मी की कृपा जो है इस दिन बरसने वाली है, साथ ही मां काली की आराधना भी इस दिन फलदायी सिद्ध होगी। कार्तिक मास की चतुर्दशी 27 नवंबर को दिवाली धूमधाम से मनाई जाएगी। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार कहा गया है कि कार्तिक माह में वर्ष की सबसे अंधेरी रात को दिवाली का मुख्य त्यौहार माना जाता है। वहीं ज्योतिष आचार्यों के अनुसार यह भी कहा गया है कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार कोई भी पूजा बिना दीपक जलाए पूरी नहीं मानी जाती है। माँ होगी प्रसन्न। ज्योतिष आचार्य के अनुसार दिवाली के दिन घर की अच्छी तरह से सफाई करें, विशेषकर मुख्य द्वार को बहुत अच्छी तरह से साफ करें। इसके बाद मुख्य द्वार पर हल्दी का जल छिड़कें, भगवान गणेश को धूप घास और माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करें। ये वस्तुएं दोनों देवी देवताओं को अत्यधिक प्रिय है। घर के बाहर रंगोली अवश्य बनाएं, रंगोली को शुभ माना जाता है। मुख्य द्वार पर जूते और चप्पल बिल्कुल ना उतारें। रसोई में झूठे बर्तन बिल्कुल ना छोड़ें। दिवाली के दिन घर की रसोई में दीपक जलाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन मां अन्नपूर्णा की पूजा का विधान है। लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ समय छोटी दीपावली और नरक चतुर्दशी आज। दोस्तों शनिवार को नरक चतुर्दशी के साथ साथ छोटी दिवाली भी है। शाम को दीपक जलाया जाएगा। मान्यता है कि नरकासुर जन की ज्योतिषी के अनुसार इस समय नेपाल की जो राजा था नरकासुर की शक्ति से इंद्र वरुण अग्नि वायु आदि सभी देवता चिंतित थे। नरकासुर ने संतों के परिवारों की 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। नरकासुर का अत्याचार बढ़ने पर देवता और ऋषि मुनि कृष्ण की शरण में आए। भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को नरकासुर का वध किया, तभी देवताओं ने इस दिन छोटी दिवाली के रूप में मनाना प्रारंभ किया। तो प्रदोष काल रहेगा दोस्तों शाम 5:28 से 8:10 तक। पूजा के लिए उत्तम समय है वृश्चिक लग्न 7:30 से लेकर 7:35 का। उत्तम लाभ के लिए चौगड़िया पूजा रहेगी 8:30 से निशीत काल तक, जो समय ऊपर है इस समय आप कर सकते हैं कि 8:10 तक और से 10:30 तक। सुबह 10:30 से लेकर आप दोपहर 1:30 तक लाभ अमृत का मुहूर्त है, इस दिन पूजन पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मुहूर्त और इस दिन आप माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश के साथ साथ कुबेर की पूजा भी अवश्य करें, जिससे कि आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से है दोस्तों मुहूर्त। इस वीडियो को शेयर करें अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर ताकि सब लोग जान सके, लेटेस्ट अपडेट को रह सके। सावधान एवं सतर्क।